ऑल ऑफ यू, टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स इज अ पुश और पुल। जब भी हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं या धकेलते हैं, तो उसमें हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वेन एवर वी आर पुशिंग और पुलिंग, ट्विस्टिंग और टीयरिंग, लिफ्टिंग और पेंडिंग, कुछ भी हम करते हैं इन चीज़ों में से, तो उसमें हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लगाया जाता है, उसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स में गिव एनर्जी, और जो फोर्स होता है वो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक उसकी यूनिट बनाई गई है। इसी तरीके से फोर्स को मेजर करने के लिए उसकी यूनिट है न्यूटन। इसको एन से हम जानते हैं। और इसके बाद बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। वी अप्लाई फोर्स, हम अक्सर फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन इसका कारण डिफरेंट केसेस, मतलब इसका जो उपयोग होता है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप से होता है। लेट अस एग्जामिन द डिफरेंट पर्पज़ फॉर विच फोर्स अप्लाइड। अब हम यहाँ पर जो डिफरेंट पर्पज़ हैं, जो अलग अलग हमें पर्पज़ दिए गए हैं जिनमें फोर्स अप्लाई किया गया है, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट इसमें है, अ फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। जो फोर्स होता है वो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव बाय पुशिंग और पुलिंग। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं उसको पुश या पुल करके। ओके, अ फोर्स कैन, सेकेंड इसमें है, अ फोर्स कैन स्टॉप मोशन। फोर्स मोशन को स्टॉप कर सकता है, मतलब गति जो होती है उसको स्टॉप कर सकता है। जैसे कोई भी चीज़ लाइक अ फुटबॉल, अगर फुटबॉल कहीं फुटबॉल अगर गोलकीपर की तरफ आ रही है तो गोलकीपर उसको रोकता है, और जब रोकता है तो उसमें क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है। तो वो मूव कर रही है फुटबॉल और उसको गोलकीपर स्टॉप, मतलब रोक रहा है कहीं पर, तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर, इसलिए वो फुटबॉल उसकी रोकी जाती है। थर्ड इसमें है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे कोई लेबर है, अगर वो ढाल पर अगर वो चढ़ाई कर रहा है और वो खींच रहा है अपने सामान को, तो उसको ज़्यादा देर लगेगी और परेशानी हो। अगर इसके अलावा अगर वो पीछे से जाके उसको पुश करता है, तो वो अपनी गाड़ी को आसानी से उस ढाल पर ले जा सकता है और उसकी गति को बढ़ा सकता है, और गति बढ़ने से वो जल्दी ऊपर चढ़ जाती है। इसलिए ये उसकी गति में भी, ये जो उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट है स्पीड में भी चेंज करता है। अब फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स। लाइक इन द क्रिकेट, अगर बॉलर बॉल करता है तो एक डायरेक्शन से करता है दूसरे डायरेक्शन को, और अगर बैट्समैन उसको हिट करता है तो वो बॉल को दूसरे डायरेक्शन में मूव करा देता है, तो वो उसकी, तो बॉक्स बैट्समैन क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है बॉल पर, और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है वो। फिफ्थ इसमें है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि जब किचन में जब रोटियां बनाई जाती हैं, तो उसमें जो डो जो आटा होता है उसको प्रेस करके रोटी बनाई जाती है, तो उस पर क्या हुआ, जब रोटी बनाई गई तो आटे के ऊपर प्रेस किया गया, मतलब उस पर फोर्स डाला गया, और जिससे उसका शेप चेंज होकर के क्या बन गया, रोटी। इसके बाद बात करते हैं रेजुलेंट ऑफ फोर्स। द टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द हैवी बॉक्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। मतलब किसी हैवी बॉक्स पर जो टोटल फोर्स है, पूरा फोर्स अप्लाई करना क्या कहता है, क्या कहलाता है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स।